यस स्टार्ट रीडिंग स्पर्श। चैप्टर 20 ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। ब्रिजेस। शालिनी सिटी इज hosting the national games 2010. Since the games are a national event, the bridge is being made on a priority basis. There is a lot of excitement in their house because of the new bridge. After the bridge is made, Salini's school bus will not get stuck in traffic jam and her parents will get a shorter route to go to their office. Okay, so users, what do you mean by bridges? Done, Sparsh, done. So what do you mean by bridges? Bridges se kya samajhte ho? Kya dimaag mein aata hai? Bridges word aata hai to kaun si picture dimaag mein aati hai? Which picture you get to know? Ma'am, bridge ki. Bridge ki, jaise kahan? Yahan Reva mein batao kahan dekha hai bridge? तो उससे आना जाना आसान हो गया है ना। कुछ लोग नीचे से भी जाते हैं, कुछ लोग ऊपर से भी जाते हैं। नेहरू नगर में भी है। हाँ, नेहरू नगर में भी है नया ब्रिज जो बना है। हाँ, वहाँ जाने के लिए। यस मैम। हाँ, उस साइड नया बस स्टैंड साइड भी बना है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि जाना आना कितना इजी हो गया है। मोस्ट ऑफ देम गो थ्रू अपसाइड एंड हाफ ऑफ देम गो थ्रू द डाउन साइड, है ना। जिसको जल्दी जाना है या कहीं जिसको चलना नहीं है बस गाड़ी से जाना, दे यूज टू गो फ्रॉम अपसाइड। आपने किसी को चलते नहीं देखा होगा ऊपर जब गाड़ियां चल रही हो बहुत सारी, है ना। बाकी सारे जिनको चलना होता है वो नीचे से जाते हैं। इससे क्या होता है, दो लोगों का काम आसान हो जाता है। दे यूज टू गेट टू देयर प्लेसेस एज फास्ट एज दे कैन वेयर एवर दे वांट टू गो। सो ब्रिजेस आर क्रिएटेड फॉर दिस ओनली टू मेक आवर लाइफ इजियर सो दैट वी कैन गो वेयर एवर वी वॉन्ट इन टाइम, है ना। वी कैन गेट द शॉर्टर रूट एंड वी कैन गो देयर और अराइव एनी वेयर इन टाइम वेयर वी वॉन्ट टू गो। इज इट क्लियर टू एवरी वन? सो दिस इज द importance of bridge. Bridges should be there in some in the places where there is a heavy traffic. जहाँ heavy traffic jam होता है वहाँ पे bridges का रहना बहुत जरूरी है, है ना। Most of the accidents are caused because there are no bridges and people used to do not get enough time and enough space to move from one place to another. If there is a bridge, they can take the help of bridge and go wherever they want. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now, yes, ma'am. Yes, Rishabh, start reading. Uses of bridge. Yes, ma'am. Uses of bridge. The bridge are of many types and built over canals, rivers, road, and railway tracks. They fulfill a variety of our needs, like they help to cut down traffic, shorten trade routes, connect countries and make traveling faster and more stylish. Many bridges are subject to unplanned uses as well. The area underneath of some bridges become shelters for homeless people and the undersides are spots of prevalent graffiti and poster display. Okay, done. So bridges, what are the uses of bridges? Bridges are of many types and built over canals, rivers, roads and railway track. Where it is bridges are built, इट इज बिल्ड ओवर केनाल्स, रिवर्स। रिवर्स के रिवर्स बहुत बड़ा रिवर रहता है तो इस फ्रॉम दिस किनारा यू हैव टू गो टू दैट किनारा, देन यू हैव यू कैन सी अ ब्रिज इज फॉर्म्ड देयर, है ना। ब्रिज रहता है उससे आप चल के जाते हो या फिर गाड़ी आपकी क्रॉस करती है। रेलवे ट्रैक्स में भी आपने देखा होगा नीचे वाटर रहते हैं, उनके ऊपर पटरी बनी रहती है, आप उसको क्रॉस करके जाते हो, है ना। दैट रेलवे रेल गो क्रॉस दैट रिवर एंड देन वी गो टू अनदर साइड ऑफ द रोड। हाउ? थ्रू द ब्रिज। ब्रिज की वजह से ही हम इस साइड से उस साइड जा पाते हैं।
दे फुलफिल अ वेराइटी ऑफ अवर नीड्स लाइक दे हेल्प टू कट डाउन ट्रैफिक. ट्रैफिक का ज्यादा झमेला नहीं होता है. ट्रैफिक जस्ट डू नॉट गेट कलेक्टेड इन वन प्लेस ओनली, इट गेट्स स्प्रेडेड एवरीवेयर. ठीक है, शॉर्ट एंड ट्रेड रूट, ट्रेड का रूट जो रहता है वो कम हो जाता है. कंट्रीज कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी ट्रैवलिंग को फास्टर और स्टाइलिश भी बना सकते हैं. एज ब्रिजेस लुक स्टाइलिश ऑल्सो, है ना. बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वहां जाके फोटोशूट भी कराते हैं, है ना. दे यूज टू क्लिक फोटोज एंड ऑल, सो इट हैज बीन अ स्टाइलिश पार्ट. Many bridges are subject to unplanned uses as well as the areas underneath of some bridges become shelter. Okay, you have seen that under the bridges many of the people sleep also, who don't have home or who don't have any shelter. That is a shelter for them. They can go there and sleep there and take rest there. Many of them just create some tent type houses and cook food also there. People stay there, they make one house only there, है ना. कुछ पुराने पुराने shelters बना लेते हैं वहां पे. Spots of prevalent graffiti and poster display. Posters आपने देखा होगा, ये वाला जो ब्रिज है इसमें कितना कुछ बन गया है, ड्रॉइंग कर दी गई है, पोस्टर डिस्प्ले कर दिया गया. You have seen, you have noticed that, है ना. Many pictures and drawings have been made there so that it could look more stylish and more good, है ना. अभी देखने में ज्यादा सुंदर दिखता है अपन को, because their drawing has been made. है ना. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रिज. नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. यस आयुषी, स्टार्ट रीडिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. गाइडेड ब्रिज आर मेड ऑफ बीम कॉल्ड गाइडर. द ब्रिज इज कॉल्ड फ्लाईओवर. व्हेन यू यूज इट टू क्रॉस ओवर रोड, इट पेडेस्ट्रियन pedestrian bridge is also beam bridge. Okay. Example, New Delhi has. हाँ, okay. So this is the flyover bridge ना, जो सिरमौर चौराहा में, उसको कौन सी bridge बोलोगे? Grider bridge बोलोगे. Because that is a flyover bridge and that is made upon the road. Road के ऊपर बनाया गया है, है ना. So that bridge is known as the flyover bridge. Example, New Delhi has a number of footover bridges, FOB, underline this line, footover bridges, and are used by pedestrians to cross over highway. Highway को cross करने के लिए ये वाली bridges का इस्तेमाल किया जाता है. Arushi, read the next bridge. Example, New Delhi has a number of footover bridges, FOB, that are used by pedestrians to cross over highways. Cantilever bridges are built using cantilevers. Cantilevers are horizontal beams that are supported on only one end. Most cantilever bridges use two cantilever arms extending from opposite sides and meeting at the center. Example. Okay. So cantilever bridge. Cantilever bridge कैसा होता है? Horizontal beams that are supported on only one end. दो horizontal beam होते हैं और एक end पे support किए जाते हैं वो. Most cantilever bridges use two cantilever arms extending from opposite sides and meeting at the center. You have seen these Havra bridge or Ravindra Setu bridge is highest cantilever bridge. जो highest cantilever bridge है, दो साइड से वो connected रहता है. Let me show you the video. Wait. You can see here, see how people are walking on the side of the road and the bridge is made here. You can see there, see, and people are walking on the footpath. देखो इधर कोई गाड़ियां नहीं चल रही है जहां लोग चल रहे हैं. देखो गाड़ियां इधर चल रही हैं. And it is made upon the river. एक river है इस side पे, ये इस side पे river है. उस रिवर के पास में ये बना हुआ है, इसके ऊपर मतलब बना हुआ है. मैम ये क्या है? ब्रिज, हावड़ा ब्रिज. दिस इज हावड़ा ब्रिज. ओके, सो
जहाँ वही पे, है। हाँ जहाँ पे लोग चलते हैं वहां पे गाड़ियां नहीं चलती, वहां सिर्फ लोग ही चलते हैं। बट हियर देयर इज नो फुटपाथ एंड देयर द फुटपाथ इज देयर, देयर ओनली द पीपल वॉक देयर एंड देयर नो अदर व्हीकल कैन गो देयर एंड जस्ट मैम गो। कैंटिलीवर, हाँ कैंटिलीवर ब्रिज का ये एग्जाम्पल है, कैंटिलीवर ब्रिज का, ठीक है। सो दिस इज द ब्रिज है ना।